Subscribe now and hit the bell icon to watch your little moments come to life with a new flick every Wednesday. नहीं नहीं इधर ही आया यार. हाँ यार, मूलचंद के पराठे खाए, बड़ा टाइम हो गया. हाँ हाँ हाँ, चलते चलते चलते. चल मैं ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ देखो. बाय बाय. क्या था? और कब ली थी आपने ये बाइक? 10 साल हो गए. Fuck! I mean, लग नहीं रहा है. रानी बना के रखी है आपने. मेंटेन जो करता हूँ. सॉरी मैं कोस. और ये स्क्रैच गिरा दी थी क्या? हाँ छोटा सा है, पर दूर से नहीं देखेगा. अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है. वैसे जब मेरे को राहुल का फोन आया ना, आई थॉट खटारा सी होगी. नहीं मतलब अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सस्ते में भी दे रहे हो आप. अच्छा मैं क्या बोल रहा था, थोड़ी और सस्ती हो सकती है. बिल्कुल नहीं, अभी तो तुमने कहा सस्ते में दे रहे हो. हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी पहली सैलरी से ले रहा हूँ ना, तो मैं दो पैसे बच जाए तो क्या दिक्कत है. नाइस, यू नो व्हाट, इट्स ऑलवेज गुड टू ऑन योर फर्स्ट बाइक. योर फर्स्ट बाइक? या माय फर्स्ट बाइक. तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था घर पे कि पहली सैलरी आएगी तो मैं बाइक ही लेने वाला हूँ. अब कॉलेज तक तो ठीक था, अब काम पे भी डेली चमगादड़ की तरह बन के मयूर विहार से गुड़गांव जाऊँ मेट्रो पे, मैं अपने बस की बात नहीं. सो व्हाट डू यू डू? आई हाँ क्या बोला था मैं? नहीं मैंने पूछा व्हाट डू यू डू. आई एम एन एनालिस्ट इन इन्वेस्टमेंट बैंक मार्सेला कैपिटल. मार्सेला कैपिटल? अच्छा वैसे सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत बोरिंग जॉब है. सारा दिन फुद्दू मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ बैठ के वक्त का पूरा चूतलाइजेशन होता है. और आप? फुद्दू सा मैनेजिंग डायरेक्टर किसी बोरिंग से बैंक में? नहीं मेरा मतलब सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी ऐसे बुरे नहीं होते. वैसे एवरेज कितनी देती है? 35 की एवरेज दे देती होगी. नहीं डोंट वरी, मिस्टर सैगल को नहीं बताऊंगा. ओह यू नो हिम? सॉरी मैं, यही दिक्कत है मेरे साथ. सॉरी हाँ प्लीज उनको मत बताना, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ कभी भी. डोंट वरी डूड, मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट किडिंग. थैंक गॉड अभी तो डेस्क भी नहीं मिला था कंपनी में. अच्छा वैसे मजाक से हटके, ये बेच क्यों रहे आप वैसे? बैंक ने कहा बेच कर प्रमोशन लेकर US चले जाओ, और एस्पिरेशन ने कहा कि लाइफ में कुछ नया करते हैं. तो बस ओरिया बिस्तर बांध कर जा रहा हूँ अमेरिकन ड्रीम जीने. हमेशा के लिए? कमाल है. वैसे आप मिस नहीं करोगे ये सब? दिल्ली, ये बाइक, कनॉट प्लेस, पोल्यूशन. इस दिल्ली के स्मॉग को तो बड़ा मिस करूँगा. या शायद सब कुछ भूल जाऊँ, वहाँ की नियॉन लाइट्स शायद सब कुछ भुला दें, वहाँ के ट्रांजिट सबवेज शायद राजीव चौक को भुला दें, शायद 80,065 किलोमीटर्स भूल जाऊँ.
10 साल आपने भी खुद ली थी बाइक? नहीं नहीं, मम्मी से बेट पर जीता था। मम्मी से बेट लगी थी कि अगर मैं कॉलेज में टॉप करूंगा ना तो मुझे बाइक दिलवाएगी। उसके बाद बाइक चेंज करने का मन ही नहीं किया। और फिर? फिर क्या? नहीं मतलब फिर क्या हुआ? फिर शुरू हुई एक नई कहानी। जब पहली बार बाइक पर बैठा ना तो एक अलग सी कॉन्फिडेंस थी, समथिंग डिफरेंट, आई कांट इवन एक्सप्रेस। अरे क्राइम मास्टर गो लग रहे हो। हाँ यार, गोगो से कम नहीं थे। एवरी संडे बाइक निकालता था, फ्रेंड को पीछे बिठाता था और गलियों में पी 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 फोन बजाते हुए फिर बंदी के घर के नीचे बाइक बिल्कुल स्लो कर देता ताकि नीचे से उसे ऊपर देख सकूं। और वो बालकनी से मुझे छुप छुप कर देखती थी। कभी रात को मन होता था ना तो यूं प्लान बना देते और बाइक निकली और मूलचंद के पराठे। मूलचंद तो एक बहाना था। बात खास होती थी उन ख्वाबीदार रातों की जब हम खाली गलियों में ठंडी हवा को चीरते हुए निकलते थे, उसके घुंघराले बाल उड़कर मेरे कंधे पर गिरते थे, उसकी खुशबू को दांत देते हुए मैं सब कुछ भूल जाता था। इतनी यादें, इतने किस्से, लॉन्ग राइड्स फ्रॉम मनाली टू लद्दाख टू इवन गैंगटॉक। और फिर हम कभी कभी आधी रात को बाइक रास्ते पर रोकते थे और गुजरते हुए परछाई को बस देखते थे। ख्वाबीदा एंड वाला देश छोड़ रहे लेकिन तहजीब वही है। ए आदि। हाय। अच्छा लिसन, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर दिया है। शौर्य। शौर्य, राइट। हाय। हाय। ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, आपकी वो ठंडी रातें ना। I mean, what your nostalgic bike rides? Oh, okay. Anyway, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? बस, we were just getting some fresh air. Fresh air. Hey, congratulations on your new bike, huh? Thank you. Okay, guys, I have to go. I'm getting super late. You have fun, ठीक है? Bye, bye. Bye. So you guys are now? Yes, we are married. Lucky you, nice. एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड को भी बाइक राइड्स बहुत पसंद है। पता क्या, मैं इससे पहले तो उसकी पिंक स्कूटी पे ही घूमता रहता था पूरा दिन, बट एक दिन वो चोरी हो गई। बट नाउ मैन आई डू फील लाइक गोइंग ऑन लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स विद हर। व्हाई नॉट, आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ इंस्पिरेशन। ट्रू दैट, बट आई हैव बीन वांटिंग अ बाइक फॉर सो लॉन्ग ना। और मोटरसाइकिल डायरीज देखने के बाद तो ऐसा मन करता है कि बस कोई बाइक हो जिसकी सेल्फ मारो और बस गायब हो जाओ। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एक अगले महीने ट्रिप मार ही लेता हूँ मैं क्लॉडगंज का, छोटा सेक्सी सा ट्रिप। पर मेक श्योर टायर प्रेशर आगे 20 पीछे 30, चलाने से पहले 5-10 मिनट रुक जाना, किक मारेगा तो संभाल के क्योंकि तेज बैक मारती है। एंड नो रश नो रस्ट, गॉट इट? जी जी जी। बाकी सब तो इंस्टाग्राम पे देख ही लूंगा मैं। जी 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 सर, ओवर स्पीडिंग भी नहीं करूंगा और फ्यूल भी मेंटेन करके रखूंगा, मतलब ऑल इन ऑल आपकी बेटी खुश रहेगी हमारे घर। मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं मेरा और मेरी सेकंड हैंड बाइक का ताकि वो हमारा मजाक उड़ा सकें। ओए आज ना तू चौधरी बंद कर जाइयो और सबकी बोलती बंद कर दियो। मुझे नहीं पता था वैसे भी बोल सकते हो। दिल्ली गाँव बैंड चो सही है। अच्छा वो आदित्य पेमेंट के लिए तो राहुल से? हाँ हाँ, वो राहुल ने बात की थी, हो जाएगा, डोंट वरी। चलो चलो, इट्स टाइम देन, मैं भी निकलता हूँ, सब वेट कर रहे होंगे। वेल, ये बैटमैन की किचन में रखूंगा चाबी, तुम? So I'll get on with it.
बेस्ट विशेस एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम। मिस्टर सहगल को हाय बोलना मेरा। आपको भी हमारी तरफ से हैप्पी अमेरिकनाइजेशन। थैंक यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अरे सेम, मुझे तो ख्वाबीदा लगा। वेल देन, वैसे मूलचंद के पराठे खाए काफी दिन हो गए। चले आप और मैं मेरी पहली बाइक पे। I hope you enjoyed our flick. अगली फ्लिक आएगी नेक्स्ट वेडनेसडे को, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल द ज़ूम स्टूडियोस। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करने के लिए प्लीज टाइप द हैंडल @theZoomStudios। बी सेफ, बी ऑसम। कम ऑन, लेट्स गो। चलो।